लिफाफा किस्मत में रोना क्यों लिखा। तुम ऐसा करो कि फौरन उन दोनों लड़कियों को शेल्टर ले जाओ। दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अफसोस भी इतना हो रहा है ना कि उनके माँ बाप भी नहीं है। नहीं, मैं आती हूँ ऑफिस थोड़ी देर में, फिगर आउट करते हैं कि क्या करना है इसके बारे में। हाँ, फिलहाल के लिए यही है। ठीक है ठीक है, आई विल सी यू सून। हाँ ओके बाय। अब ये दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी छोड़ें, आप घर में जो मसला है उसकी तरफ देखें। कहाँ है आपका बेटा सुबह सुबह? मीशा, ये क्या? अब मेरी हर बात पे आप सार्कास्टिक तरीके से बात करेंगे? कर तो रही हूं जो कुछ कर सकती हूँ। आपको पता है सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट है, कंट्रोल होने में टाइम लगेगा। और फिर हादी की टेम्परमेंट को आप अच्छी तरह से जानते हैं। He is not an easy person. आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं तो सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था। वाह भाई वाह वाह, आज सुबह सुबह भाभी जी से क्या रिक्वेस्ट हो रही है शाह साहब? वाह वाह, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम वाला जी। बैठो बैठो बैठो। अरे रिक्वेस्ट क्या होनी है यार, बस एक परेशानी थी उसके लिए तुझे बुलाया था, वो डिस्कस करना थी। गुलाम मोहम्मद जी, बीवी जी, चाय लेकर आओ आगा जी के लिए। अरे भाभी, हम लोग चाय वाले कहाँ हैं, क्यों शाह साहब? अरे यार, खैर तो है ना शाह साहब? यार खैर है भी और नहीं भी। मीर हादी ने कुछ टेंशन दी हुई है। क्या किया अब हमारे साहबजादे ने? दिल लगा बैठे हैं मीर हादी साहब। यार शाह साहब, यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, उसकी उम्र ही ऐसी है, इसमें तो उसको दिल लगाना भी चाहिए। अपना वक्त भूल गए क्या हैं भाभी? अरे लगाए भाई, जरूर लगाए। हमने कब उसे मना किया है? लेकिन आगा, ऐसी लड़की से दिल लगाना जिसके भाई का उसने पिछले दिनों मर्डर किया हो, ये कहाँ की अकलमंदी है?
बस यही टेंशन हो गई आगा जी। और आप तो बचपन से हादी को जानते हैं, कितना जिद्दी है वो, एक मर्तबा जिद पकड़ ले तो बस। और अभी इतनी मुश्किल से ये मसला दबाया है और ये सिलसिला शुरू कर दिया साहबजादे ने। मतलब आप सोच सकते, शादी करना चाह रहा है उससे, पागल हो गया बिल्कुल, कि कैसे हो सकता है? यार शाह साहब, मुझे तो इसमें कोई टेंशन नजर नहीं आ रही। ऑन द कॉन्ट्ररी आई थिंक के हादी बहुत समझदार लड़का है। बात बड़ी सीधी सी है, लड़की को टेंशन बनाना है या के उसको कामयाबी की सीढ़ी। आप कहना क्या चाह रहे हैं आगा जी? अरे करवा दें उसकी शादी, कितना फायदा होगा इस शादी से, आपकी रेपुटेशन को, पार्टी की रेपुटेशन को। हाँ, हादी से एक गलती जरूर हुई और उसकी मुआफी भी उसने मांग ली और उसको मिल भी गई, लेकिन हादी को अब भी सुकून नहीं है। वो उसके घर वालों को सुख देना चाहता है, उनको गमों से दूर करना चाहता है, लेकिन सुकून उसको मिलेगा नहीं ये सब कुछ किए बिना। यही तो बताना है सबको, मीडिया को, आवाम को। अरे यार सोचें शाह साहब, सोचें जरा, इतना फेवरेबल पॉइंट बनेगा आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए। यार इस पॉइंट को आप अपना विनिंग पॉइंट बनाएं, विनिंग पॉइंट। हादी खुश, आप खुश, पार्टी खुश। अरे यार और क्या चाहिए आप लोगों को? He's crazy, isn't he? But he's right. देखते नेवी ब्लू कलर के ड्रेस में बहुत अच्छी लगती हो, असर हो रहा है तुम पे खानी, आहिस्ता आहिस्ता पर हो रहा है। मामा आज ना आप आलू गोश्त पका दीजिएगा। नहीं मामा प्लीज, अभी 3 दिन पहले ही खाया है, इसका तो दिमाग ही आलू हो गया है। अच्छा बस करो, देर हो जाएगी तुम लोगों को। चादर सही से पहनो और ये पकड़ो शाबाश। चलो, ओ बॉटल्स नहीं भूल ली। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। अमानुल्लाह। खुद का दिमाग होगा आलू। अरे भाभी जान मैं निकालती ना चाय। कोई बात नहीं सोनी, अपना ही घर है, ये लो तुम चाय पियो। शुक्रिया। बच्चियों को यूं अकेला भेजना ठीक नहीं है। भाभी जान अब तो बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा होना ही पड़ेगा ना। अगर पैरों पे खड़ा करना है ना तो किसी की बीवी बना के खड़ा कर दो। भाभी जान। क्या भाभी जान, इतना कुछ हो गया सोनिया, अब तो बदल जाओ और थोड़ी अपनी सोच भी बदल दो। मेरा ख्याल है कि मेरे भाई का बेटा है, खानी का हाथ उसके हाथ में दे दो, बाकी छोटी जो दो हैं जल्द से जल्द उनका भी कुछ कर देते हैं। जरनाब खान की बात कर रही हैं, ना पढ़ा ना लिखा,
मेरी बच्ची का गुजारा कैसे होगा? अरे छोड़ो, कैसी बातें कर रही हो, सब कर लेते हैं गुजारा। गुजारा करने और जिंदगी गुजारने में बहुत फर्क होता है भाभी जान। मैंने शायद जिंदगी गुजारी है और मैं अपनी बच्चियों के लिए भी यही चाहती हूँ। सोच तो बदल ही ली थी, अब सोच सही है। किसी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने से पहले अपना नाम और मकाम दोनों बनाएंगे। मैं अपनी सोच नहीं बदल सकती, यही ठीक है। ठीक है फिर, खुदा ना करे अगर इससे भी कुछ ज्यादा बुरा हो गया तो फिर ये सब कुछ भी हाथ नहीं आएगा। सलमान अब वो सलमान नहीं रहा जिसके आसरे पर तुमने पूरे खानदान से बगावत की थी। अब तुम अकेली हो और तीन तीन बच्चियां, तुम्हें सोच तो अपनी बदलनी ही पड़ेगी। कितने हराम से आपने कह दिया ना भाभी जान कि मैं अकेली हूं। मेरे सलमान का साया अभी भी मेरे सर पर है और ये मेरे लिए और मेरी बच्चियों के लिए काफी है। मैं आती हूं। अरे भाई कहाँ लेके जा रही हो, मेरे रिसेप्शन छोड़ के नहीं जा सकती। कुछ नहीं होता, वैसे भी मैंने उस्मान को बिठा दिया ना रिसेप्शन पे, दो मिनट में क्या होता है। क्या ये देखिए, रोज उसने आपके लिए कुछ ना कुछ भेजा है। किसने? उसी ने जिसको आप जानती नहीं है और शायद जानना भी नहीं चाह रही। नहीं जानना तो चाहती हूँ, लेकिन वो रोज नंबर बदल बदल के मुझे मैसेजेस करता है, ना कोई आता ना पता, क्या करूँ मैं। आपके चेहरे की ये मुस्कुराहट मुझे कुछ बता रही है। नहीं तो मैं तो नहीं मुस्कुरा रही। अभी मेरी आंखें इतनी भी खराब नहीं हुई हैं, समझिए आप। पता नहीं अरीबा मुझे क्या हो रहा है, जब भी मैं ये सब कुछ देखती हूँ ना मेरा दिल अजीब तरह से धड़कने लगता है। प्यार हो गया खानी, तुम उस अनजान शख्स। एक अनजान शख्स से मुझे कैसे प्यार हो सकता है, ये सब गलत है। मैं प्यार के झंझट में नहीं पड़ना चाहती, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। प्यार के झंझट में कोई पड़ता थोड़ी है, ये तो बस हो जाता है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं। और वैसे भी किसी से प्यार होना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन इस तरह किसी अनजान शख्स से मोहब्बत होना गलत हो सकता है। वो कौन है, क्या करता है, क्या चाहता है, ये जानना भी तो ज़रूरी है ना। हाँ तुम सही कह रही हो रीबा, मुझे अपने आप पर काबू करना चाहिए। मिस सनम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रिसेप्शन पर जाएं। जी मैं संभाल के रखती हूँ। सलमान, खानी के घर आने का यही टाइम है? जी भाईजान, क्या हम इतने पराये हो गए या फिर बच्चियों के घर देर आने की वजह से तुम हमारे साथ नहीं रह सकते? भाईजान मैं आपको कैसे समझाऊं, बात आपके अपने या पराए की नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्चियां परेशान हों, वो अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, तो क्या बुरा है? तुम्हारी नजर में कुछ भी बुरा नहीं है, ये सोच ही है तुम्हारी जिसकी वजह से हम दूर हो गए हैं। समाना बदल गया है भाईजान,
हम भी बदल गए। तुम बदल गए सलमान, मैं नहीं। बहरहाल मेरा फर्ज है समझाना कि ये वक्त नहीं होता जवान लड़की के घर आने का। मुझे चाहने लगी है, उसके दिल में मैं बस रहा हूं, सिर्फ मैं। वो मीर हादी से मोहब्बत करने लगी, कुछ समझ रहा है? नहीं, मैं नहीं समझा अभी। तू समझेगा भी नहीं। हाँ हादी, क्योंकि मैं गलत बात समझ करना अपने आप को खुशफहमी का शिकार रखने पे बिलीव नहीं करता। ऐसे क्या देख रहा है यार, सही तो कह रहा हूँ। हादी खानी तुमसे प्यार करती है, ये खुशफहमी है तुम्हारी। मैन व्हाट्स रॉन्ग विद यू? वो तो ये भी नहीं जानती उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो तुम कर रहे हो। कहीं तुम्हारा नाम नहीं लिखा। सिम्स तुम रोज बदल लेते हो। हादी वो तुमसे नहीं बल्कि उस अननोन इंसान से प्यार करती है जिसे वो अभी तक जानती नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कल जब उसे तुम्हारा नाम पता चलेगा वो तुमसे प्यार करेगी? हाँ, क्यों नहीं। किस दुनिया में जी रहे हो यार? ये अपने लाला लैंड से ना बाहर आओ। उसके भाई को मारा है तुमने, कम से कम कोई भी बहन ये तो नहीं करेगी। हादी देख अली, जो हुआ सो हुआ, अब मैं उससे प्यार करता हूं। मैं जानता हूं तू उससे बहुत प्यार करता है यार, मगर ये मुमकिन नहीं है। यू जस्ट कॉलिंग फॉर अनदर बिग ट्रबल यार। अभी अभी एक मुसीबत से बाहर आया है, दोबारा उसी मौत के कुएं में छलांग लगा रहा है। पार्टी का सोच यार, लड़कियां तो बहुत मिल जाएंगी। अपनी जिंदगी के बारे में सोच, अपने फ्यूचर का सोच। मैं ही तो फ्यूचर का सोच रहा हूं, तुम लोग नहीं समझ रहे। आदि जस्ट फॉरगेट इट। आदि नो पॉइंट। आदि ठीक है। चाय ठीक है? तुम्हारे हाथों की चाय तुम्हारे हाथों से पीऊं और ठीक ना लगे? भाई साहब क्या कर रहे हैं? थक गए थे, लेट गए हैं। भाभी पंसूरा पढ़ रही हैं। और बच्चियां? खानी तो अभी तक अस्पताल से नहीं आए, और सना और सारा पढ़ाई कर रहा है। सना कुछ परेशान है। क्या हुआ? वो उसने सुबह भाभी की बातें सुन ली थी,
उस वक्त से परेशान हो गई है कि शायद हमें वहां जाकर रहना पड़ेगा। मैं बात करूंगा बच्चियों से, मैं जानता हूं उनकी टेंशन को और मैं उन्हें परेशान नहीं होने दूंगा। मैं नहीं जा रहा भाई साहब के साथ और कोई भी नहीं जा रहा। मैं तो ये बात जानती हूँ सलमान, लेकिन बच्चियां हैं, परेशान तो होंगे। मैं बात करूंगा। सोनिया, इस चाय ने मुझे जिंदा रखा हुआ है। रखो, थोड़ी ठंडी करके पीऊंगा। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। कहा मुझे तुमसे बात करनी है? गाड़ी में चल के बैठो। काम करती हूँ मैं यहाँ पर, चीख चीख के लोगों को जमा कर दूंगी। अरे तो चीखो। आदि क्या कर रहा है? छोड़ उसे। आदि छोड़ उसका हाथ। विठल, तू सड़क पे तमाशा कर रहा है यार। आदि घर तक छोड़े। मिशेल, आगे। पानी दूं बेटा? नहीं। सब ठीक तो है ना खानी बेटा? खानी बेटा, ताया जी कुछ पूछ रहे हैं। क्या सोच रही है बेटा? ठीक तो है ना सब? जी जी, सब ठीक है ताया जी। खानी जी, बेटा बाबा बुला रहे हैं। जी मैं भी आती हूँ। बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम परेशान हो, लेकिन देखो टेंशन मत लो, बाबा बात करेंगे अभी तुम लोगों से। हम कहीं नहीं जाएंगे बेटा, ताया जी के यहाँ शिफ्ट नहीं होंगे। ओके, आती हूँ। चलो आ जाओ। काश मैं आपको अपनी असल टेंशन बता सकती मामा, लेकिन मैं आपको मजीद टेंशन नहीं दे सकती। आदि, तू रुक, मैं जाता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वो सनम खान
सनम आज ड्यूटी पे नहीं आई, दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओके थैंक्स। लेकिन सर वो आप, मैं उनका दोस्त हूँ, उनसे खुद बात कर लूँ अभी। थैंक्स। हाँ ठीक। अजय नहीं है। क्या मतलब अजय नहीं है? तबीयत ठीक नहीं है उसकी। सना इधर आओ, बाबा के पास। इतनी दूर क्यों बैठी हो? आ गई पापा के पास। मेरी जान, अब तुम्हारा बाबा पहले वाला बाबा नहीं रहा ना, लेकिन तुम्हारे बाबा का दिल अब भी वही है। सच्ची अब भी वही है। क्या हुआ है बाबा? कुछ नहीं हुआ और ना कुछ होगा, यही बताने के लिए बुलाया तुम लोगों को। परेशान है ना मेरी बच्चियां, सब कुछ उल्टा हो गया है। जानता है तुम्हारा बाप अब कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, लेकिन फैसले अब भी ले सकता हूं तुम लोगों के लिए, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी बच्चियों के लिए। बाबा को यहाँ से कहीं नहीं जाना। मेरी जान यही तो तुम्हारा बाबा कह रहा है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, कोई ये घर छोड़कर नहीं जा रहा। ताया जी जो कह रहे हैं वो उनका प्यार है, ख्याल है, लेकिन तुम्हारा बाबा जानता है कि उनकी बेटियां कहाँ खुश रहेंगी, अपने घर में। इसलिए तुम तीनों बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारा बाप माजूर हुआ है, मजबूर नहीं। मैं लेट गया हूं लेकिन लाश नहीं हूं बेटा, इसलिए कुछ नहीं होगा, भाईजान को मैं संभाल लूंगा। बस फिर से मुस्कुराना शुरू कर दो तुम तीनों, बल्कि चारों। हादी कहाँ है? रूम में नहीं है। नहीं, घर आया भी था कि नहीं? पर मैं उस वक्त घर पे नहीं थी, कनीज बता रही थी कि वो अली के साथ चला गया। क्यों, कोई काम है उससे? हाँ, लेकिन इस वक्त जो टाइम हो गया है मुझे लगता है कि वो अली की तरफ ही रुक गया होगा। हाँ तो फोन कर लें उसे। चलो देखता हूँ। आपने तो अपने दिल का बोझ हल्का किया बाबा, पर मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरी वजह से सब फिर से ना रोएं। Thank you.
क्या हो रहा है लमिया? मैं क्यों जानना चाहती हूँ उसको जिसका नाम भी नहीं जानती? क्यों दिल धड़क रहा है एक अनजान के लिए? एक तरफ ये और एक तरफ वो हादी। क्यों बार बार मेरे सामने आ जाता है वो? क्यों डरा रहे हैं मुझको? मुझे बहुत डर लग रहा है लमिया, बहुत डर। हनी दुनिया के लिए बहुत बहादुर है, लेकिन अंदर से अभी भी मैं डरती हूँ। सब गलत हो रहा है। आदि का यूं बार बार सामने आना, किसी अनजान के लिए यूं दिल धड़कना, सब गलत। सुबह सुबह मुझे खानी से मिलने जाना है। अब मुझे सिर्फ हॉस्पिटल में मिल सकती है। इसलिए अब जो मैं करने जा रहा हूं उसके बाद तू मुझे इमरजेंसी लेके जाएगा। ओह माय गॉड, आदि ये क्या किया यार? शिट, क्या रहा? गाड़ी चला।